अब ये देखें, यहाँ पर फिर ट्रैफिक जो है ना, हमेशा की तरह यहाँ पर ट्रैफिक जाम है। रीज़न में भी आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप देख लें कि यहाँ पर जो है ना, वो जो नाला खोदा है वो तकरीबन 30 फुट गहरा नाला है, और वहाँ पर लोग देख मोटरसाइकिलें कैसे लेकर जा रहे हैं। ख्वाना ख्वास्ता कोई हादसा हो गया तो कौन इसका ज़िम्मेदार है? ये मैंने आपको दिखा दिए यहाँ के मनाजिर, और ये देखें कि जो ट्रैफिक फिरोजपुर रोड से और फिर जो कलमा चौक वाली साइड से आ रहे हैं, वो भी आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम क्यों हो जाती है। पहले वो ट्रैफिक देख लें आप, ये ट्रैफिक का फ्लो देखें, और फिर अब मैं आगे आपको लेके जाता हूँ जहाँ से ये गाड़ियाँ टर्न करके आगे खैबान इकबाल में जाएगी, और फिर वहाँ से डिफेंस के अंदर या फिर वहाँ से सीधा वाल्टन रोड की तरफ भी जाएगी, क्योंकि ये दो रास्ते बने हुए हैं। बेसिकली वो जो गाड़ी यहाँ से टर्न कर रही है वो है इस वक्त वन वे। अब जो वाल्टन की तरफ से ट्रैफिक आ रही है उनके लिए वो रास्ता नहीं है, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम उस वक्त क्रिएट होती है जब वहाँ से रिक्शो वाले आते हैं, क्योंकि यहाँ से एक गाड़ी गुजर सकती है। वो जब रिक्शो वाले आते हैं तो वो गाड़ी अब फंस जाती है। अब ये देखें, यहाँ पर मैं आपको वाजिया तौर पर दिखा रहा हूँ कि इस वक्त जो है ना ट्रैफिक यहाँ पर जाम, और यहाँ से बस भी गुजरी, और बस वाले और रिक्शे वाले दोनों तकरीबन एक जैसे ही आदतों के हवाले से। अब पीछे जो है ना काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लग चुकी है, लेकिन बस वाला वही का वही खड़ा है, और एक एक करके गाड़ियाँ गुजरी है, लेकिन वो ट्रैफिक का जो प्रेशर पीछे से आ रहा है फिरोजपुर रोड से वो ज़्यादा है उसका फ्लो, लेकिन यहाँ पर जो है ना बहुत स्लो स्लो जा रहे हैं। और ऊपर से देखना, वो देखें आप, वो मोटरसाइकिल आ रही हैं, वो जाके आगे रास्ता बंद कर देगी। यहाँ पर ट्रैफिक के ये मसाइल ज़्यादा गंभीर हो रहे हैं। ये बिल्कुल डॉल्फिन फोर्स के सामने का इलाका है, यहाँ से एक टर्न दिया हुआ है, यहाँ से ट्रैफिक ऐसे जाती है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ट्रैफिक सारी जा रही है वाल्टन रोड, या फिर यहाँ से जो है ना खैबान इकबाल की तरफ टर्न हो रही है ट्रैफिक, और आगे जो आप रोशनियाँ देख रहे हैं वहाँ पर वो काम फ्लाई ओवर का हो रहा है। ये देखिए आप मनाजिर, बस वाला वही का वही खड़ा है, और पीछे जो है ना आधा आधा किलोमीटर लंबी लाइन लग चुकी है। वो ट्रैफिक पुलिस वाला यहाँ पर आ चुका है, इसको ट्रैफिक को जो है ना वो रवानगी बेहतर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हाल सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पर ट्रैफिक वाले खड़े हो जाए, बल्कि यहाँ पर जो है ना स्पेशली इसको वन वे कर दिया जाए। वन वे तो है, लेकिन जो लोग बाज नहीं आते वहाँ पे, जो ट्रैफिक पुलिस वालों को खड़ा करके वहाँ पे चलान करते जाएं, जिनकी वजह से मसला आ रहा है। चलान भी 200 रुपये वाला नहीं, बल्कि 4 से 5 हज़ार रुपये का कम से कम चलान करें। ये देखा ना पीछे कितनी लंबी लाइनें हैं, और ट्रैफिक बिल्कुल रुकी है वहाँ पर। अब ट्रैफिक पुलिस वाला क्या करे, उसको भी ट्रैफिक बहाल करने में टाइम लगेगा। ये देखे ट्रैफिक यहाँ से सीधी जा रही है वाल्टन की तरफ, ये देखें कितनी लंबी लंबी लाइन है। ये सारी ट्रैफिक, जितनी भी ये ट्रैफिक है सारी जा रही है वाल्टन की तरफ। अब जिन लोगों ने जाना है वो वाल्टन भी जा सकता है, और वहाँ से यू टर्न लेकर ये गाड़ियाँ जो आ रही है ये सीधी डिफेंस के अंदर भी जा रही है, और यहाँ से होते हुए पैकेजेस मॉल के अंदर भी, या फिर पैकेजेस मॉल के अंदर एंटर होकर आगे फिरोजपुर रोड पर जा रही है। ट्रैफिक शदीद जाम है। यहाँ से ये गाड़ियाँ टर्न हो रही है। मैं यहाँ से वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आगे मिट्टी बहुत ज़्यादा है, और बिल्कुल जो है ना गीली मिट्टी है, वहाँ पर उन्होंने पानी लगाया हुआ है। सामने आपको नज़र आ रही होगी गाड़ियाँ टर्न कर रही है, वो भी आपको दिखा देता हूँ आगे टर्न होकर कहाँ आ रही है, वो भी आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूँ। आगे जाके देखें ना, वो देखें वो गाड़ियाँ यहाँ से आके, ये आगे देखें, ये देखें वहाँ पर वो डिफेंस के अंदर जा रही है, और पैकेजेस मॉल भी जो है ना यही से उनका रास्ता है पैकेजेस मॉल का, या फिर फिरोजपुर रोड जाने के लिए। ये मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि आप किसी भी परेशानी से यहाँ पर बच सकें कि बाहर जाने के लिए रास्ता कौन सा है। ये देखिए कितनी लंबी लाइन है, मैं आपको जूम करके अभी दिखाता हूँ कि पोजिशन क्या है वहाँ पर, कितनी लंबी लाइन है। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा के फासले से गाड़ियाँ ब्लॉक है, और ये देखें यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है। और ये देखें ये सर्विस रोड से भी गाड़ियाँ निकल निकल कर मेन रोड की तरफ आ रही है।
अच्छा, ये है बिल्कुल मेन राबिया बसरी कॉलेज जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। और ये पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, ये है राबिया बसरी कॉलेज, सामने राबिया बसरी कॉलेज है जो इस वक्त बंद है। और ये जब से नाला बन रहा है तब से ये जो है ना राबिया बसरी कॉलेज बंद है। ये रात की वीडियो में असल में आपको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको ये दिखा दूँ कि इस वक्त भी, रात के वक्त भी, यहाँ पर काम बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। सिर्फ दिखाने का मकसद ये है रात को। बाकी इंशाल्लाह मैं सुबह भी अपलोड करता रहूँगा, यहाँ पर वीडियो रोज़ाना अपलोड करता रहता हूँ। लेकिन ये देखें, ये यहाँ पर उन्होंने खुदाई की हुई है। इस खुदाई की भी एक वजह है कि यहाँ से जो ना लोग आते थे सामने से वाटन रोड की तरह से, वो इसके ऊपर चढ़ा देते थे, यहाँ से सीधा आते थे और फिर जो है ना ये जो रोड आप देख रहे हैं ये तकरीबन नीचे जो है 25 से 30 फुट गहराई है और उसकी तरफ चलते थे, जिससे हादसे का बड़ा ख़तरा था। तो उस वजह से उन्होंने जो है इस नाले की यहाँ पे खुदाई कर दी ताकि यहाँ पर ट्रैफिक किसी किस्म की ना आए। वो भी आगे चल के आपको बताता हूँ कि आपने अगर फिरोजपुर रोड पे जाना है, वाल्टन वाली साइड से आ रहे हैं, तो आपने कौन सा रूट लेना है वो भी आपको बता देता हूँ कि कौन सा रोड इस्तेमाल करना है और वहाँ पर कैसे आपने टर्न करना है, वो आपको मैं अभी आगे जाके बताता हूँ। लेकिन उसके आसपास देखें, यहाँ पर ट्रालियाँ खड़ी है। सुबह के टाइम यहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन आज जो है ना यहाँ पर फुल जो है ना काम फुल जोबन के साथ हो रहा है। ये यहाँ के मनाज़िर देख लें आप। ये ट्रैफिक देखें, ये ट्रैफिक इस वक्त जा रही है 2-3 जगहों पे। एक तो वाल्टन रोड की तरफ, वहाँ से वर्कशॉप स्टाफ के पास टर्न करके या तो वाल्टन की तरफ जाएगी या फिर वहाँ से यू टर्न लेकर खैबान इकबाल जाएगी, जहाँ पर वो डिफेंस के अंदर भी जा सकते हैं, या फिर वहाँ से एक पैकेजेस ने गेट खोला हुआ है, वहाँ पर जाकर आप पैकेजेस मॉल के अंदर भी जा सकते हैं, या फिर वहीं से आप फिरोजपुर रोड पर दोबारा आ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी नाले की जो है ना फिलिंग हो रही है। जैसे पैकेजेस मॉल के सामने आज मिट्टी जो फिलिंग की है उन्होंने, नाला 100% मुकम्मल कर दिया था, वो यहाँ पर ये सेम वो फिलिंग कर दी है उन्होंने यहाँ पर। अगर आपको सही क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो इसके लिए माजरत, लेकिन ये कि आपको बेसिकली इन्फॉर्मेशन देना था कि काम यहाँ पर कितना ज़्यादा हो रहा है। ये आज के मनाजिर है 21 फरवरी 2024 के शाम का वक्त है, तकरीबन 7:30 बज रहे हैं। और ये देखें ट्रैफिक का फ्लो कितना ज़्यादा यहाँ पर हो चुका है। और आगे जाके मैं दिखा देता हूँ, वो देखें आगे जाके ट्रैफिक बिल्कुल बंद है। मैं आपको अभी जूम करके भी दिखाता हूँ, ये देखें। और जब इसके नज़दीक में जाऊँगा तो फिर वहाँ पर जो है ना बहुत बुरे हालात होते हैं। ये देखें अब आप आगे चलते हैं, आगे क्या पोजीशन है। ये देखें यहाँ पे काम बहुत स्पीड के साथ इस वक्त हो रहा है। ये पाइप उन्होंने डाला हुआ है पानी के लिए। और आगे आप ट्रैफिक भी देख लें। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ कि आगे इस वक्त क्या हालात है। ये देखें यहाँ पर उन्होंने जो है ना ये दरख्त यहाँ से उखाड़ दिए हैं, क्योंकि काम हो रहा है वो दरख्त जो यहाँ पर ना डिस्टर्ब कर रहे हैं ज़्यादा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे दरख्त भी उन्होंने, ये देखिए पाइलिंग के लिए पाइप वगैरह सब पड़े हुए हैं यहाँ पर। ये एक स्टील वर्क हुआ है यहाँ पे पिलर के लिए, ये सामने आप देख लें, इसके ऊपर आज सुबह भी काम कर रहे थे लेबर। अब इस फ्लाई ओवर को जो है ना 120 दिन में ये मुकम्मल करना है, अभी तो महीना भी नहीं हुआ। ये देखें आसपास आप
ट्रैफिक भी साथ साथ देखते जाएं कि जो यहाँ से गुज़रना चाह रहे हैं ट्रैफिक लेकर आते हैं तो वो यहाँ के हालात देख सकते हैं कि यहाँ से जब भी आप जाएं तो बहुत ध्यान से जाएं, क्योंकि ट्रैफिक ब्लॉक होने का ख़तरा स्पेशली शाम को बहुत ज़्यादा होता है। अब ये शाम के मनाज़र आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी ट्रैफिक ब्लॉक है। यहाँ पर ये सामने काम हो रहा है, वो सामने जो लाइटें जल रही है वो देखो वहाँ पे इस वक्त काम हो रहा है फ्लाईओवर का। अच्छा, ये जो रोड आप देख रहे हैं वहाँ से जो ट्रैफिक टर्न होकर आएगी वर्कशॉप स्टाफ से, ये वाली जो ट्रैफिक सारी जा रही है वर्कशॉप स्टाफ की तरफ ऐसे, फिर वहाँ से यू टर्न ऐसे लेके आएगी इस रोड के ऊपर। ये खैबानी जो जहाँ पर चील कभी बनी होती थी, ये वो वाला चौक है, खैबानी इकबाल भी कहलाता है और ये चील चौक भी कहलाता है। यहाँ से ट्रैफिक ये सीधी जाएगी आगे जाके, वो सामने आपको पैकेजेस मॉल का वो नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ पैकेजेस मॉल, वहाँ पर एक स्विस होटल है उसके साथ ही पैकेजेस मॉल ने गेट खोला हुआ है। अगर आप पैकेजेस मॉल के अंदर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर एक शटरिंग की है, आप पैकेजेस मॉल के अंदर भी रास्ता एक ही गेट है लेकिन रास्ते उसमें दो बने हुए हैं। पैकेजेस मॉल के लिए वहाँ पर सिर्फ गाड़ियाँ जा सकती है और दूसरा जो बाइक वगैरह है वो वहाँ से एंटर होकर मेन फिरोजपुर रोड पर आएंगे और फिर वहाँ से आगे जो बाइक वाली गेट है पैकेजेस मॉल की वहाँ से एंटर होके पैकेजेस मॉल के अंदर चले जाएंगे, या फिर जिन्होंने फिरोजपुर रोड पर जाना है वो ये वाला रास्ता इस्तेमाल करके, स्विस होटल के साथ है पैकेजेस मॉल का गेट है, वो रास्ता इस्तेमाल करके फिर आगे मेन फिरोजपुर रोड पर जा सकते हैं। ये ट्रैफिक के बदतरीन जो है ना इस वक्त हालात यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं दिन रात यहाँ पर काम हो रहा है। ये देखिए ये उनकी गाड़ियाँ हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, और वहाँ पर ये देखें सारा कुछ। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और ऑल की नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक करें। हमें दीजिएगा इजाज़त नेक्स्ट वीडियो के लिए, अल्लाह हाफिज़।